एलटीटी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहे एलटीटी न्यूज, खबरों का संसार। बरेली जनपद की तहसील नवाबगंज आप देख के रहे हैं कौसा बाजार धौरहरा में मेन गेट गौशाला आप बच्चे बनी ग्राम जीए का अड्डा। सोनेला में ये गौशाला बनी हुई पड़ी है जिसमें अभी तक कोई जानवर तो नहीं आया है। बाकी यहाँ पे गौशाला में जुआ का अड्डा बना हुआ है। सरकारी पैसे का ये हालत है देखा इसका। जा रहा है बंदरबाट, घटिया सामग्री का किया गया है निर्माण कार्य। पुनः एलटीटी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं एलटीटी न्यूज, खबरों का संसार। ब्लॉक भतपुरा के बाहर जागीर के ग्रामीणों ने आवारा पशुओं व सांडों से रक्षा हेतु दिया समाधान दिवस में ज्ञापन। के ही नेवल के पास पड़ोस के कई गांव के लोगों ने मांस को रखा है, फसल को बुरी तरीके से नष्ट कर रहे हैं। गांव के लोग परेशान है, किसान लोग जीवन दूर हो गए। मतलब फिट करा हो जाए आप के वहाँ तो गौशाला नहीं है। नहीं साहब, हमारे वहाँ आसपास की कहीं गाँव का। किस लिए आना पड़ा तहसील में? इसलिए आना पड़ा, हमारे गांव में 100 से लगभग 100 से ज्यादा आवारा पशु घूम रहे हैं। उसमें कुछ सांड बहुत खतरनाक हैं और वो किसानों को अपनी फसल की रखवाली नहीं करने देते हैं। कई किसानों को मार चुके हैं और एक समस्या ये है कि हमारे गाँव जो प्राइमरी स्कूल है उसमें बाउंड्री नहीं है, तो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं रात में वो उसी स्कूल में बैठते हैं और बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है। स्कूल में बहुत गंदगी करते हैं, स्कूल में गंदगी करते हैं, आवारा पशु बच्चे भी डरते हैं स्कूल जाते हैं। भी अकेले दुकेले जाते हैं, स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, कहीं पे आपके आस पड़ोस में कहीं गौशाला नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ गौशाला एक जवेदा में है, बरगड़ा तो जो बिली में पड़ता है वो लेते नहीं है। गौशाला नहीं। अच्छा, कब से समस्या चल रही है आपकी? सदा हमारे गांव के पास में जो पुल है उस पर लोग छोड़ जाते हैं बाहरी पशु, वो खतरनाक छोड़ जाते हैं। नदी किनारा गांव है तो वहाँ तो हमारे गांव वालों को बहुत परेशान करते हैं जानवर। दो एक लोगों को मारा देखो, हम कह देंगे ना कल मारो। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारे गांव में हमारा जानवर बहुत है, प्रचंड है। और दूसरी बात जो है, जानवर खतरनाक है, बॉर्डर गांव है, पास पड़ोस लोग छोड़ जाते हैं जिसके खतरनाक से मुंह हो जाए। को तो कल्ले मारो भी जाते हैं, रेत को रखाने ना दे रहे हैं, आदमी टाँड बांध ही रखा है। पैदा भूलिए कहाँ रहोगे, तो सारी फसल खराब कर दी है, पूरी फसल नष्ट हो जाते। अगर कोई रखा नहीं है तो उन्हें मारते हैं। एक दो आदमी के तो बस की बात है ना, जो पहुंच जाए मारते हैं। उनका पैर कल चोट लगी थी पैर में, अभी भी चलने बहुत दिक्कत हो रही है। परेशानी हो रही है गाँव में।